Hello dear students, today we will discuss about the quadratic equations. What is the meaning of quadratic equations? कौन सी equations को हम quadratic बोलेंगे या कौन सी equations को हम linear बोलेंगे या cubic बोलेंगे, हम type of equations, polynomials सारा कुछ अच्छे से आज सीखेंगे ये video में. So let's start. देखिए आपने ये चीज़ read की हुई है, जैसे 9th तक ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है. इसमें अगर मैं इसके साथ यहाँ पर इक्वल टू लगा दूँ और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर या कुछ भी आप रख दो, फॉर एग्जांपल मैंने जीरो रख दिया, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है. पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल इट इज़ ए कॉम्बिनेशन या मिक्सचर बोल सकते हो. किस चीज़ का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन? वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का. ये अपने पास a एक कांस्टेंट है, इसके साथ अपने x लगा दिया वेरिएबल, प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, कोई और नंबर कांस्टेंट कर दो b, तो ये पॉलिनोमियल बन चुकी है, चाहे प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो, ठीक है. अगर पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू कुछ रख दोगे तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है. सो इक्वल्स टू जो कुछ भी आपके मन किया वो रख दीजिए. बट ये पावर देखिए, पावर कितनी है यहाँ पर? 1. तो ये हो गई अपने पास लीनियर. E for equation. अगर यहाँ पर इक्वल लगा है इट मीन्स ये लीनियर तो है, बट ये कौन है? इक्वेशन है. अगर इसकी पावर, x की पावर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी लगाना है, जो आपका प्लस माइनस जो भी लगाने का मन है वो लगाओ, प्लस बी एक्स, प्लस माइनस जो आपका दिल करे वो कर दीजिए, प्लस माइनस सी इक्वल्स टू कोई भी आपका जो मन करे, जीरो लिखना है, प्लस का माइनस का, जो प्लस का माइनस का कोई भी नंबर आपको जो अच्छा लगता है वो रख लिखिए, 7, 8, 9 कुछ भी जो मन करता है वो लिखो. तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई. इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? इक्वल लगा होगा जिस लाइन में, आप देख लेना इक्वल का सिंबल है, इट मीन्स वो इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है. ये इक्वेशन कौन सी है? यहाँ पर तो आप इक्वेशन लिख दोगे कि ये इक्वेशन है, पर कौन सी है? पावर देखिए, पावर एक्स की कितनी है? 2. पावर कितनी है यहाँ पर? 2. इट मीन्स ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. यहाँ पर आप सोचोगे कि दो सिंबल सर ने कैसे रखे हैं, आपको रजे एक ही सिंबल होगा. इसकी मैं आपको जर्नल फॉर्म बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू, नॉर्मली वो जीरो लेकर चला जाता है, आपको जीरो की जगह कोई भी और भी नंबर भी हो सकता है, ठीक है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसकी और एग्जांपल्स देता हूं. मान लीजिए आपके पास आ गया 2x² + 5x - 7 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि पावर देखिए कितनी है इसकी, 2. हाईएस्ट पावर आपको 2 चाहिए, हाईएस्ट पावर शुड बी 2. तो साथ में x लिखा है, 5x प्लस या माइनस कुछ भी आपके पास कांस्टेंट होगा, -7 है यहाँ पर, -7 = 0. ओके, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. अगर ऐसे दे देता 2x² - 7 = 0, ये है तो इक्वेशन, क्योंकि जहाँ पर इक्वल लगा है वहाँ पर वो, इसका मतलब होता है इक्वेशन है मेरे पास, है ना. तो पावर देखिए, पावर कितनी है? 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं शॉर्टकट में इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, बट आपने कंप्लीटली फुल स्पेलिंग ये लिखने हैं इक्वेशन के. ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एक्स का एक्स वाली टर्म हो भी सकती है बिल्कुल या नहीं भी हो सकती. फॉर एग्जांपल एक की इसकी और करवाता हूँ. बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी जर्नल फॉर्म बताना. लाजी जर्नल फॉर्म उसकी हो रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. मान लीजिए ये लिखा हुआ है -5x² - 10 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? इक्वेशन का मतलब इक्वल टू से आएगा. यस, इक्वल टू तो है, तो इक्वेशन तो है.
पर कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, पावर कितनी है? अगर पावर 2 है इट मींस ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 2 नहीं है तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको नॉर्मली आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो ऐसे देख सकते हो, -5x2 -10 को थोड़ा सा दूर लिख दीजिए, ठीक है, और प्लस कर दो 0, 0 प्लस करने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर साथ में मैं x रख देता हूँ 0x, -5x2 +0x अपनी तरफ से कर दिया, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आंसर आना है, 0 प्लस कर दो किसी में माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -10 एडिटी आ गया। तो ये भी राजे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 4.1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले जो सेकंड चैप्टर किया था पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था फैक्टराइजेशन करना सीखा था, उसके बाद हम जीरो से निकाल देते थे, या वो हमने फैक्टराइज करके सीधे निकालते थे एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज या जेड की वैल्यूज, पर यहाँ पर हम अनदर मेथड से सीखेंगे। सो उसके साथ साथ हमारे पास है पहले 4.1 को हम सीखेंगे, इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन होगा वो हम सीखेंगे न्यू मेथड के साथ, वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं आज ही। प्लीज़ टेक दी स्क्रीनशॉट, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ध्यान से देखिए बेटा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें एग्जाम में आया जाता है कि ये हमें एक इक्वेशन दे देगा कि हमने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए प्लस पहले फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a प्लस बी की होल स्केयर का, मैंने यहाँ पर पहले राइट कर दिया a प्लस बी की होल स्केयर का फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। मैं यहाँ पर माइनस का भी फॉर्मूला अभी राइट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके साथ ही, a माइनस बी की होल स्केयर आ जाए। तो करना क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर परमानेंट ही है और यहाँ पर आएगा -2ab। अगर प्लस है तो +2ab आएगा, अगर माइनस है तो -2ab आएगा, ठीक है, ये फिक्स है ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों में। तो यहाँ पर मैं यही फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ये मैंने आंसर में गया पहले, तो इसको रीराइट करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 की होल स्केयर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे, ये अपने पास a है ये b है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ओके इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, ये प्लस का मेंबर है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया ओके। सो x को x की पावर देखिए 2 है तो एक्स स्केयर ही आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाएगी। इसका कारण पता क्या होता है, मैं ब्रैकेट क्यों रिमूव कर देता हूँ, एक्स स्केयर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स। सो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, पावर ऐड, बेस दोनों का एक बार लिख दीजिए, पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो इसलिए मैं ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो एक्स स्केयर एलईडी आया, 1 की स्केयर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1, 1 जा 1 प्लस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x, अब जितना आंसर है वो है 2x, 2x को आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x आ गया फाइनल, इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सारा कुछ आप लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे कीजिए, ये 2x और 2x कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्केयर प्लस 1, ठीक है, ये प्लस का 1 है ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। एक्स स्केयर प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास बन क्या चुका है, अभी एक्स स्केयर प्लस 7 ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल है, यस है, ये एक इक्वेशन है, पर कौन सी इक्वेशन है, पावर देखिए पावर कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक है ये, क्वाड्रेटिक, तो यस
इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए करवाया ऐसे, ठीक है। तो आपने फाइनल ऐसे लिखना है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू का सिंबल ना हो तो वो पॉलिनोमियल होता है, अगर इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन, अदरवाइज पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट एंड फॉर्मूले आप अच्छे से राइट कर लेना अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर, ठीक है, फेयर नोटबुक के ऊपर होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन। इसको आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप सबसे पहले आपको ये आंसर में रीराइट कर लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये बेटा देखिए, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया। अब ये माइनस टू को आगे मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स के साथ। पहले देखिए ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगी, प्लस आ गया, टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया टू एक्स। सारा कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये माइनस का सिक्स इधर करिए प्लस का हो गया, सिंबल अपने चेंज कर जाएगा, ये प्लस का है तो इधर का ये माइनस का हो गया, इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर देखो राजे, ये दोनों के दोनों क्या है, माइनस के है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स में एक्स प्लस हो सकता है, एक्स में एक्स माइनस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी और के साथ ना इसको एडजस्ट कर देना। माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस का फोर एक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस फोर एक्स, प्लस का ये सिक्स आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं सोचिए आप एक मिनट के लिए, बिल्कुल है, क्योंकि इक्वल लगाए तो इक्वेशन है। पावर कितनी है, टू है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पावर मुझे टू चाहिए एंड साथ में इक्वल चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर पावर थ्री आ जाए फिर क्या होगा, फिर वो क्यूबिक हो जाता है। अगर ऐसे आ जाता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से चाहे ये मिसिंग हो चाहे ये मिसिंग हो चाहे ये वाली चीज़ मिसिंग हो जाए, पर अगर x की पावर 3 आ गई है ना, इट मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। सो टेक दी स्क्रीनशॉट नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन। सो इसको आपने पहले तो सॉल्यूशन में आंसर में ऑलरेडी राइट कर लेना है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले देखिए ये कौन है x, x को पीछे जो ब्रैकेट लिखी हुई है इस सारी फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई करोगे ये जो पीछे वाली ब्रैकेट है x प्लस वन के साथ, ओके। अब हमारे पास इसके बाद टर्न आ गई माइनस टू की, माइनस टू को भी मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी फुल ब्रैकेट के साथ, माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वन के साथ इक्वल्स टू। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, पहले x को मल्टीप्लाई करोगे पीछे वाली ब्रैकेट के साथ, फिर ये जो माइनस वन है इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस थ्री के साथ, ओके। सो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, बेस सेम पावर्स एड, जब भी x को x के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी पावर वन इसकी पावर वन, तो बेस सेम है, पावर्स दोनों ऐड हो जानी है। सो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस x को मल्टीप्लाई करोगे वन के साथ तो क्या आ जाएगा x, माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप वन लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस आ गया, टू को वन के साथ मल्टीप्लाई किया टू आ गया, साथ में आ गया x। अब ये माइनस प्लस फिर से वो माइनस हो गया, टू वन जा टू इक्वल्स टू, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स को थ्री के साथ करना है मल्टीप्लाई तो प्लस थ्री एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस ही है, प्लस माइनस माइनस, पहले सिंबल्स की मल्टीप्लाई फिर नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है, प्लस माइनस माइनस, वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री आ गया। अब सारा कुछ आपने लेफ्ट हैंड साइड पर एक बार लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इधर आया तो सिंबल अपने चेंज करके आएंगे सारे, ये इसको भी लेफ्ट पर लेकर आओ तो प्लस एक्स हो जाएगा, इसको भी लेफ्ट पर लेकर आओ तो प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से बड़ी बात ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, बट एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो ये क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं है, इक्वेशन तो है। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन तो है बट ये क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि पावर ही टू जो जिसकी थी वो मैंने एलिमिनेट कर दिया, वो वैनिश कर दिया, पावर टू अब बची नहीं तो ये क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं, ठीक है। पावर टू होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर ये लीनियर ही है। यहाँ पर इसको एडजस्ट कीजिए, क्या बचा गया आपके पास, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से भी कटिंग देख लेते हैं जितनी पॉसिबल होती है। देखिए ये वन एक्स है, ठीक है, प्लस का ये भी वन एक्स है तो कितना एक्स हो गया, टू एक्स है, ये और ये दोनों को मैं देख रहा हूँ, वन प्लस वन टू, टू एक्स हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस के एक्स कितने हैं, माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स तो माइनस का फाइव एक्स हो गया। ओके सो यहाँ पर देखना है आपने, माइनस का टू प्लस का थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री में से टू गया वन आ गया इक्वल्स जीरो। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, फाइव माइनस का है और टू प्लस का है, प्लस माइनस माइनस सिंबल बड़े का आएगा, बड़ा फाइव है, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो। यहाँ पर पावर टू है ही नहीं एक्स की तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, सो इट इज ए, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर है कौन सी, लीनियर। पावर देखिए कौन सी है, वन, सो इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ओके सो अगर इक्वल टू ना होता तो पॉलिनोमियल होती, बट यहां पर इक्वल टू है तो इसलिए इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, ये लीनियर है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फाइव। सो इसको आपने पहले रीराइट कर देना है, ठीक है। रीराइट करने के बाद पहले एक्स की मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ पीछे वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस थ्री की पीछे वाली ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। सो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम टू एक्स प्लस वन के साथ, फिर माइनस थ्री है, माइनस थ्री की भी मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस वन के साथ इक्वल्स टू। यहाँ पर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, बेस सेम पावर से ऐड प्लस, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, एक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करना है इस बार तो फाइव एक्स आ गया। ओके ये याद रखना, पहले एक्स को पहले मेंबर के साथ फिर दूसरे मेंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स को देखो राजे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन लगा दीजिए और कुछ नहीं है तो प्लस है, सिंपल, प्लस 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 ही होता है, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। वन को टू के साथ मल्टीप्लाई किया टू, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स किया। मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पर प्लस है दोनों में तो प्लस 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 होता है मल्टीप्लाई में। वन को टू के साथ मल्टीप्लाई किया टू, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस, ये वन को ये प्लस ही है दोनों तो प्लस 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 हो गए। वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया वन, साथ में लग गया एक्स, आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, साथ में मैंने वन रख लिया। ये अब देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया, जहाँ थ्री को टू के साथ कर लो एक ही बात है, साथ में आ गया एक्स, माइनस प्लस माइनस, थ्री को वन के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री आ गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। सारा कुछ ये लेफ्ट हैंड साइड पर एक तरफ लेके आना है, देखना कटिंग तो नहीं होती, अगर होती है तो क्या एक्स स्क्वायर हमारे पास आता भी है या नहीं आता, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस सिक्स एक्स, इसका भी आप एडजस्टमेंट कर दीजिए पहले, यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर है प्लस का वन एक्स माइनस का सिक्स एक्स, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक्स में एक्स प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, लाइक टर्म्स है ये, सिक्स माइनस वन इज फाइव, सिंबल बड़े का। ओके सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अगर ना भी समझ आया तो आपको
प्लस का 1x माइनस का 6x, ये x में x एडजस्ट करेंगे तो आना तो x ही है, पर 6 माइनस 1 इज 5, सिंबल बढ़ेगा ही। ओके, अपने पास ये तो एडजस्ट हो गया, माइनस का 3 बचा, साथ में लगा लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आया मैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर ये माइनस का 1x स्क्वायर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा लीजिए। ओके, 2 माइनस 1 इज 1, 1x स्क्वायर, सिंबल बढ़ेगा, बड़ा प्लस का ही है, वो राइट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो अब आपके पास है क्या, माइनस का 5x, माइनस का 5x, तो माइनस का 10x हो गया, सो माइनस का 3 साथ में आ गया, इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, 2, इट मीन्स ये कौन सी है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आगे चलते हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएंगे आंसर में या सॉल्यूशन में, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए बनी तनी को। पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे पीसीएल ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 के साथ, फिर माइनस 1 है इसको भी मल्टीप्लाई किया माइनस x माइनस 3 के साथ। ठीक है, पहले 2x को मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 के साथ। सेम प्रोसेस यहाँ पे चलेगा, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे पीसीएल ब्रैकेट के साथ, फिर टर्न किसकी होगी, सेकंड मेंबर की, सेकंड मेंबर विद सिंबल उठाना होता है, मैं यहां पर विद सिंबल ले रहा हूं, सिंबल ना भूल जाना, तो प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 के साथ। ओके, सो 2x यहां पर देखिए, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है मेरे पास। ओके, सो प्लस 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 होता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। सो नेक्स्ट, ये फिर प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, साथ में लग गया x, ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, ये दोनों देखिए ये माइनस माइनस प्लस, कटिंग हो गया प्लस आ गया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ओके, सो इक्वल्स टू x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है x, ये माइनस का 1, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 हो गया, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया। ओके, सो प्लस को आगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 के साथ किया 5 आ गया। ओके, सो अभी सारा कुछ आपने फिर वो वैसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आता हूँ 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट हो रही है, माइनस 6x माइनस का x मतलब 1x, ठीक है, दोनों माइनस के हैं प्लस ही हो जाने, माइनस 7x आ गया, तो माइनस 7x मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, प्लस का 3, इसको आप एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लीजिए फिलहाल, एक्स स्क्वायर ये देखिए एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाने हैं, मैं यहाँ साइड पर कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाने हैं, 5 में से 1 गया 4, सिंबल बढ़ेगा, और x में x एडजस्ट करोगे तो x ही आना है, ठीक है, लाइक टर्म चाहिए, तो प्लस 4x माइनस 5, ये सारा कुछ बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, लेफ्ट पर लेके आया तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1 लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस 1x स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1, एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर लिख लो चाहे x स्क्वायर लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, माइनस 7x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं, कैंसिल कब होते हैं जब मल्टीप्लाई में हो, अब जो ये नॉर्मली पड़े हुए हैं ना, तो माइनस 7x माइनस 4x तो माइनस का 11x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का ही रहेगा, इनको एडजस्ट किया मैंने, माइनस 11x
यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट नंबर बच चुके हैं, प्लस का 3 प्लस का 5, तो प्लस का कितना बच गया 8 इक्वल्स टू 0। ये भी राजे क्वाड्रेटिक है या नहीं आप डिसाइड खुद कीजिए, आपको क्या लगता है पावर कितनी है इसकी? पावर है इसकी 2, इट मीन्स ये है क्वाड्रेटिक। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एग्जाम में जब फिर नोटबुक पर फुल स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है, शॉर्ट नहीं करना, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ जैसे यहाँ पर किया है, बट आपने फुल कंप्लीट ही है स्पेलिंग रखने हैं इसके। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट सब पार्ट 6, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको रीराइट कर लेना आप पहले। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको जो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही, पर राइट हैंड साइड पर देखिए a माइनस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है। a माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? a माइनस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इस पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये अपने पास है a, ये है अपने पास b, पहला मेंबर a है, दूसरा मेंबर हमारे पास b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a है अपने पास x, b है अपने पास 2, याद रखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस 2ab, यहाँ पर ना आप माइनस लगा देना। सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर ही राइट करूँगा, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में यही समझाया था, प्लस 2 की स्क्वायर का मतलब होता है 4, इट मीन्स एक्स स्क्वायर सॉरी 2 की स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 दैट इज 4। सो ये बच गया हमारे पास माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, साथ में लग गया एक्स, ये सारा कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आइए तो बना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये लेफ्ट पर लेकर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर दोनों कटिंग हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कटिंग हो जाना है। यहाँ पर अपने पास है 3x प्लस 4x तो बन गया ये 7x। सो आगे अपने के पास बचा क्या है? प्लस का 1 और माइनस का 4, प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस सिंबल बढ़ेगा, माइनस 3 आ गया। अब बोलिए ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक है या नहीं? पावर देखिए यहाँ पर ध्यान से, पावर है इसकी 1, तो ये 2 तो आई नहीं, सो हाईएस्ट पावर मुझे 2 चाहिए थी। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर पावर 2 बनी नहीं हमारे पास, तो एक है कौन सी इक्वेशन? लीनियर, क्योंकि पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। आगे चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर आएगी प्रॉपर्टी a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये अपने पास फर्स्ट मेंबर a है, ये सेकंड मेंबर अपने पास b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर देखिए मैं प्रॉपर्टी आपको दोबारा राइट कर देता हूँ, 9th क्लास में आपने रीड की हुई है अच्छे से। एक्स की पावर मान लीजिए a है और मल्टीप्लाई एक्स की पावर b है, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी दोनों की, एक्स की पावर a प्लस b हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है राजे जो मैंने राइट हैंड साइड पर लिखी है वो आपके लिए है, ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए प्लस ही है और नंबर नहीं है तो 1 है, दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 आ गया, ओके। सो एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, पावर देखो दोनों मल्टीप्लाई में, एक बार बेस को एक बार राइट कर लेना है, पावर्स को दोनों को प्लस कर देना है, 1 + 2 तो बन गया आपके पास एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो आप बोलोगे सर एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x को 1 से किया 2x,
इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्केयर आ गया एडिटी प्लस टू का स्केयर फोर प्लस टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर एक्स एक, ये एक्स टू है। मैं इसको लेफ्ट पर ही लेकर आ जाता हूँ, चाहे आप नेक्स्ट स्टेप में ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है नेक्स्ट स्टेप में लेकर आना नेक्स्ट स्टेप में लेकर आओ। एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स फोर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। पहले एडजस्ट करने हैं स्केयर वाले, ठीक है। देखो स्केयर वाला तो है ही हमारे पास एक फिलहाल, तो ये तो बन गई क्यूबिक। देखिए ध्यान से पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है इस बार, थ्री हाईएस्ट पावर है, तो आप बोलोगे इट इज ए क्यूबिक। अब ये ना बोल देना कि पावर टू भी है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, हाईएस्ट पावर थ्री है तो ये क्यूबिक है, अगर हाईएस्ट पावर टू होती तो आप क्वाड्रेटिक बोलते। सो आपको ये एडजस्ट करना है तो ज़रूर एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सिमेट्री में लगा दीजिए। माइनस टू एक्स क्यूब राइट कर दिया, पहले क्यूब पावर आ गई उसके बाद टू पावर आएगी स्केयर वाली प्लस एक्स स्केयर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस ही है प्लस एक्स स्केयर। फिर आपके पास एक्स वाले आ जाने हैं, ये फोर एक्स टू एक्स ये बन गया सिक्स एक्स, और ये कॉन्स्टेंट आपके पास है ही एक प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो कौन सी है, इट इज ए क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन। ओके सो टेक दी स्क्रीनशॉट, जी बेटा आज हमारे पास इसका है बेटा अभी फर्स्ट का लास्ट पार्ट है एट्थ पार्ट है, इसको पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया करेंगे। एक्स स्केयर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, इसको जो आपने कॉपी पेस्ट मार दिया इक्वल टू, यहाँ पर लगेगा बेटा ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, ये आपके पास होता है फॉर्मूला ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको, ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके सो इसको अप्लाई करेंगे, ये आपके पास हो गया ए, ये हो गया बी, ए की वैल्यू मतलब एक्स आ गई, बी की वैल्यू टू आ गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए आपके पास एक्स है बी आपके पास टू है। ओके ए माइनस बी ए माइनस बी, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा आपको, लीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब फिर वही चीज़ एक्स क्यूब ही आएगा, क्यों आएगा, एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स तीन बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वन 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 पावर कितनी है वन, तो बेस सेम पावर्स एड लीजिए एक्स क्यूब माइनस टू की क्यूब का मतलब है टू को आपने थ्री टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, टू क्यूब मीन्स टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर फोर टू जा एट, सो एट आ गया हमारे पास, माइनस टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया, सिक्स साथ में आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस टू, कॉपी पेस्ट करो फिर लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको ऐसे ही आगे तक लेके जानी पड़ेगी, फिर कटिंग देखेंगे क्या हो रहा है। एक्स क्यूब माइनस एट, ये माइनस का सिक्स एक्स है, ये प्लस का वन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का वन ही है। ओके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सिक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर आ गया। अब देखिए ध्यान से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, सिक्स को टू से किया ट्वेल्व साथ में आ गया एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आइए सारा कुछ, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, लेफ्ट पर लिख रहा है इसको मैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एट प्लस का सिक्स एक्स स्केयर माइनस का ट्वेल्व एक्स इक्वल टू जीरो।
ये लेफ्ट पर आया, अपना सिंबल चेंज किया, इसने भी अपना सिंबल चेंज कर लिया, इसने भी सिंबल चेंज किया, सभी ने रजे, ठीक है। एडजस्ट कर देते हैं, एक्स क्यूब और एंड एक्स क्यूब दोनों कटिंग हो गए, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का था, ठीक है। अब बचा गया एक्स स्केयर वाले, एक्स स्केयर वाले ये दोनों रहा, सिक्स एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स स्केयर, तो ये बन गया अपने पास टू एक्स स्केयर। आगे देखिए ये एक्स, ये भी एक्स, दोनों एक्स वाली टर्म है, तो इनको भी एडजस्ट करेंगे। माइनस का वन वन लिख लीजिए, माइनस का वन एक्स, माइनस का ट्वेल्व एक्स, तो माइनस का थर्टीन एक्स आ गया। आगे चलिए प्लस का वन प्लस का एट, तो ये बन गया प्लस का नाइन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, तो आपको टू दिख रही है, इट मीन्स ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि क्यूब भी था पहले, क्यूब क्यूब दोनों कटिंग हो गए हैं, तो ये स्केयर बचा अपने पास, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो आपको इसका रीजन पूछ ले तो रीजन क्या बताओगे, रीजन यही बताओगे, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज टू, दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व चैप्टर नंबर टू में, 2.1 का ये पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके हमने जीरोस फाइंड आउट करने सीखे थे, वहाँ पर हम करते थे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, बट आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ आपको न्यू मेथड, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ है, आपको फोर्थ चैप्टर में इक्वेशन दी होगी, तो हम इसको पहले इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। आपको मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है गिवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, आपने इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है, इक्वल टू जीरो ले लिया मैंने। अब क्या करना है, मैंने अब फैक्टराइज नहीं करूँगा, फैक्टराइज करने पर बड़ा इजी होता है काम, कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर एट बन रही है, दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई एट है, एंड प्लस या माइनस करके फोर बने, है ना, वो नंबर फोर एंड टू आ जाएंगे, बट वैसे नहीं करना। आज मैं इसको कंपेयर करना सिखाता हूँ आपको, इसको कंपेयर कर लीजिए, इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है ए, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी, जो थर्ड वन है वो सी है अपने पास। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, ओके, तो ए का वैल्यू वन आ गया, यहाँ से देखिए, सो एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस टू, तो बी का वैल्यू माइनस टू आ गया हमारे पास, एंड सी का वैल्यू माइनस एट। अच्छे से पहले इसको समझिए, मैं आपको एक और एग्जांपल अपनी तरफ से लेकर दे देता हूँ। माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट इक्वल्स जीरो। यहाँ पर अगर आपने ए बी सी की वैल्यू बतानी है, तो नॉर्मली पहले तो इसको ऑर्डर में रखिए, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो होता है ए, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारे पास बी, जो थर्ड वन होता है वो होता है सी, ओके। सो इसको आप ए बी सी के बाहर डी निकालिए, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू क्या है माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर एल डी आया, ए का वैल्यू यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, एंड सी का वैल्यू यहाँ से माइनस एट, बी का वैल्यू पुट कर दिया, ए का वैल्यू पुट कर दिया, सी का वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में। माइनस टू का स्केयर क्या होता है, माइनस टू का स्केयर होता है माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसल, टू टू या फोर, तो आंसर आ गया ये फोर, ओके। सो ये देखिए माइनस फोर प्लस वन माइनस एट, जब ये तीनों नंबर एक दो और तीन, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो माइनस माइनस दोनों के ये हो गए कैंसल, क्योंकि माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस प्लस वन माइनस एट, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए इनकी, मैंने यहाँ पर वही चीज़ की कैंसिल कर दिया, ठीक है। फोर को वन से मल्टीप्लाई किया फोर, फोर को आगे
8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 32, तो प्लस किया तो 36 बन गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है वो लगाएंगे और x की वैल्यू मतलब 0 से सीधा ही निकलाएंगे हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का सिंबल आपने एक साथ ही रखने हैं दोनों के दोनों, ठीक है। स्क्वायर रूट डी ओवर 2a, x इक्वल्स टू माइनस का तो बेटा माइनस परमानेंट है एंड b का वैल्यू यहां पर देखिए क्या है, b का वैल्यू है मेरे पास माइनस 2, तो माइनस 2 पुट कर दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, डी का वैल्यू आपके पास आया है 36, नीचे आ गया आपके पास 2a, a का वैल्यू क्या है आपके पास 1, a का वैल्यू क्या है 1, सो x इक्वल्स टू ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए और नीचे आ गया 2, ये प्लस माइनस एक साथ ही रखना है अभी तक कुछ नहीं करना। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6, अगर नहीं भी पता मैं साइड पर राइट कर देता हूँ, स्केयर रूट ऑफ 36, 36 को आप 6 का स्केयर लिख सकते हो एंड स्केयर एंड स्केयर रूट कट 6 आ गया, नीचे आया 2 बन जा 2। एक बार अब क्या करना है बेटा, ये सारा कैलकुलेट हो चुका है, एक बार देखो 6 के आगे दो सिंबल है, एक प्लस एक माइनस, एक बार आप प्लस का 6 ले लो बाकी सारा कुछ एडिटिंग, एक बार आप माइनस का 6 ले लो बाकी सब कुछ एडिटिंग आपने कॉपी पेस्ट करना है। प्लस का 6 लिख लिया एक बार अपने माइनस का 6 लिख लिया, x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इज 8 बाय 2, यहाँ पर x इक्वल्स टू देखो राजे ये अपने पास प्लस का 2, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा तो प्लस है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4 पर सिंबल बड़े का आएगा, बड़ा 6 है माइनस का सिंबल आ गया नीचे आ गया 2। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 4 आ गया, यहाँ से कटिंग किया तो माइनस 2, एक्स की वैल्यू 4 आ गई और एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई जी। सो यही अपने जीरो से दोनों के दोनों। सो पहले हमने सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, आज हमने सीखे हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड के साथ, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, ये दो फॉर्मूले ही आपने याद रखने हैं, मेन फॉर्मूला ये है x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी ओवर 2a। अब d कौन होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b के सामने कोई सिंबल वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पर b के सामने माइनस का आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने, बस यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इसके बारे में आपको एक कोई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को अब पहले सॉल्व करेंगे, फाइंड दी रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0, 3x² माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0। अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर आज वाले मेथड से जो न्यू मेथड से हम करेंगे फोर्थ चैप्टर के थ्रू तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाला इजी, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है यही वाला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट डी अपॉन 2a। अब पहले d पता कर लेते हैं क्योंकि मुझे ए बी सी तो यहाँ से पता लग रहे हैं, ये हो गया अपने पास एक्स स्केयर का कोफिशियंट कौन होता है a होता है, तो a आ गया अपने पास 3। अब b कौन है, एक्स का कोफिशियंट कंपेयर करके कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बी का बी आ गया अपने पास माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, सी का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर ए होता है, सेकंड मेंबर बी होता है, थर्ड मेंबर हमारे पास सी होता है। आप गलती से एक्स स्क्वायर या एक्स ना लेके आना, सिर्फ मैंने कोफिशियंट लेने हैं विद सिंबल्स लेने होते हैं। अब ए बी सी के बाद अभी बच गया डी,
डी निकालते हैं, बाकी हमारे पास सारा कुछ है, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ओके, ये एक फॉर्मूला, इससे बड़े से बड़े आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। सो डी का वैल्यू आएगा बी स्केयर माइनस फोर ए सी, बी स्केयर माइनस फोर ए सी। सो बी, बी कौन है आपके पास, ये रहा माइनस टू स्केयर रूट सिक्स एक्स की होल स्केयर माइनस फोर ए सी। ए का वैल्यू थ्री है, सी का वैल्यू टू है, ठीक है। सो बी का वैल्यू पुट कर दिया, माइनस फोर ए आ गया अपने पास एंड सी आ गया। इसकी पावर देखिए टू है, इसको आप सॉल्व करोगे साइड पर, माइनस टू स्केयर रूट सिक्स एक्स सिक्स की होल स्केयर। देखो पावर जितनी है उतनी बार आप उसमें आपने मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस टू स्केयर रूट सिक्स मल्टीप्लाई माइनस टू स्केयर रूट सिक्स। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है सेंटर में तो मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर भी कोई सिंबल नहीं है इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है। जब आप लोअर विंग में थे, जैसे प्राइमरी में थे या मिडिल क्लास में थे, हाई, ठीक है, तो आपने क्या किया, सिंपल नंबर को तो मल्टीप्लाई करना आता है, टीचर आपको बोलता है टू मल्टीप्लाई टू क्या है आपके पास, सॉरी टू मल्टीप्लाई टू इज फोर। ओके, जब आप हायर क्लास में आते हो, जैसे आप एट्थ में थे जहाँ और स्टैंडर्ड आपने पढ़े अच्छे से, वहाँ पर आपको करवाए जाते हैं रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सिक्स, क्या होगा रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सिक्स, सिक्स होता है बट कैसे होता है, ठीक है। देखिए दोनों की पावर वन है, स्केयर रूट सिक्स बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दीजिए, बना कैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पता तो हमें सभी को है कि रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सिक्स सिक्स होता है, बट बनता कैसे है मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, वन प्लस वन टू, ये स्केयर एंड स्केयर रूट कट हो गया तो आ गया आंसर सिक्स। सो रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सिक्स इज सिक्स, तो आ गया अपने पास ट्वेंटी फोर, ठीक है, फोर मल्टीप्लाई सिक्स इज ट्वेंटी फोर हो गया। सो ट्वेंटी फोर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हुआ आपको तो साथ ही साथ आप, ठीक है, समझो, रिपीट कर लो वीडियो को, अच्छे से देखो। सो आपके पास 24 आ गया, और माइनस 4 टू जा, ठीक है, सॉरी 4 थ्री जा 12, 12 को आगे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो कितना आया 24। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे साइड पर कर लीजिए कि 4 थ्री 2 मल्टीप्लाई करना है, 4 टू जा 8, 8 को आगे 3 के साथ किया 24 हो गया। सो ये आ गया 0, कितना आ गया हमारे पास 0। अब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू, डी की वैल्यू आपके पास, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी है, तो उस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, अभी मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट डी ओवर 2a है हमारे पास, तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस तो ये परमानेंट है, ये तो लगाने ही लगाना है आपने, b की वैल्यू है आपके पास माइनस टू स्केयर रूट सिक्स प्लस माइनस स्केयर रूट डी, डी का वैल्यू आपके पास 0 है, नीचे आपके पास आ गया 2a, a का वैल्यू आपके पास है 3 पुट कर दिया, x इक्वल्स टू, देखो ये माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस, ठीक है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, तो नीचे आ गया 2 स्केयर रूट 6 प्लस माइनस। अब ये बेटा ध्यान से देखना, स्केयर रूट ऑफ 0 क्या होता है, साइड पे मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, जहाँ यहाँ पर कर देता हूँ एक बार, समझो ध्यान से, स्केयर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 की जितनी मर्जी पावर लिख दो 0 ही रहना है, 0 की जितनी मर्जी पावर लिख दो, जैसे 0 की पावर आपने 2 लिख दिया, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, चाहे 3 पावर लिख दो, 3 बार आप उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी 0 आना है, तो मैंने 0 की पावर 2 लिख दिया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर ये स्केयर एंड स्केयर रूट कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। इसको आप साइड पर नोट कर लेना, स्केयर रूट ऑफ 0 0 ही होता है। ओके, से 0 आ गया यहाँ पर, नीचे आ गया
सिक्स है, ठीक है। अब एक बार प्लस जीरो कर दो, एक बार माइनस जीरो, दोनों को मैं सेपरेट करता हूँ। एक्स इक्वल्स टू टू स्केयर रूट सिक्स, एक बार प्लस का जीरो कर दो और एक बार माइनस का जीरो कर दो, ठीक है। सो किसी भी नंबर में आपको पता है प्लस जीरो करने से या माइनस जीरो करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एडिटी आ जाएगा आपके पास। लीजिए माइनस जीरो कर दीजिए इस नंबर में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टू स्केयर रूट सिक्स से आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर भी सेम टू सेम। कटिंग करनी है आप कटिंग कर सकते हो, यहाँ पर ये जो टू एंड सिक्स है कटिंग कर सकते हो। टू पर कर किया वन, टू पर किया थ्री, यहाँ पर भी टू पर किया वन, टू पर किया थ्री, सेम आंसर आ गया हमारे पास। सो इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक तो आ गया, वन को आप रूट सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट सिक्स ही आना है, तो मैं रूट सिक्स लिख देता हूँ, वन में नहीं लिखता क्योंकि मल्टीप्लाई होती है दोनों के बीच में, वन एंड रूट सिक्स की क्या है मल्टीप्लाई, मैं रूट सिक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, रूट सिक्स ओवर थ्री। सिमिलरली यहाँ पर वन बचा और रूट सिक्स बचा, दोनों की मल्टीप्लाई है तो रूट सिक्स ही आनी है, नीचे आ गया थ्री। यही आपके क्या है जीरो से, यही जो डिमांड कर रहा था कि इसके रूट्स बताओ, ये रूट्स है राजे इसके। आगे रैशनलाइज करना है जो नहीं करना वो आपकी मर्जी है। कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं रूट सिक्स को रैशनलाइज कर देंगे, चाहे कुछ भी करो, चाहे यहाँ तक छोड़ दो, आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। सो ऐसे करके आप रूट वाले कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, जिसके आपको पता नहीं लग रहा कि रूट्स सॉरी दो नंबर की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, जब प्लस माइनस करके उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा। पॉलीनोमियल वाले चैप्टर से अगर नहीं क्वेश्चन हो रहे हैं तो इस मेथड से आप कर लेना, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और हम करते हैं। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, देखिए बेटा आपके पास ये है, फाइंड दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सेकंड चैप्टर में हमने पॉलीनोमियल थी, इस बार हमारे पास इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है, सेम वे से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे पॉलीनोमियल हो चाहे इक्वेशन, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये अपना मेथड, ठीक है। सो इसको राइट कीजिए आंसर में, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले आपने ए बी सी निकालने हैं, ठीक है, ए कौन है इसको कंपेयर करना है तो कीजिए इट, नहीं तो आपको पता है फर्स्ट मेंबर ए होता है, सेकंड मेंबर यहाँ पर वन लगा लीजिए और विद सिंबल बी, ये थर्ड वन हो गया सी। इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो है ना तो इसलिए मैं इक्वल टू जीरो लेता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिक्स है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया सिक्स आ गया। सो बी एक्स का कोएफिशिएंट है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है माइनस वन। थर्ड वन जो बच गया आपके पास वो बच गया सी, ठीक है। सो सी का वैल्यू आपके पास आ गया माइनस का टू, इतना आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखो ए का वैल्यू सिक्स है, यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस वन, सी का वैल्यू माइनस टू। आपने वही फॉर्मूला याद रखना है, एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट डी ओवर टू ए। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे ही कि फाइंड इज डिस्क्रिमिनेट, तो आपको डिस्क्रिमिनेट फिर इतना ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलिए फिर इसके साथ फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का वैल्यू देखिए बेटा ध्यान से सिक्स आ गया, सी का वैल्यू माइनस टू, ध्यान से लिखना है बी का वैल्यू क्या है माइनस वन, मैंने पुट कर दिया माइनस फोर कॉपी पेस्ट, ए का वैल्यू सिक्स है, सी का वैल्यू माइनस टू। माइनस वन का स्केयर क्या होता है, माइनस वन का स्केयर मतलब होता है माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, दो बार आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर थ्री पावर दी होती तो थ्री टाइम आपसे मल्टीप्लाई होना था, फोर होती तो फोर टाइम आपसे मल्टीप्लाई होना था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ओके, पेयर में माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं एंड वन वन जब वन आ गया, सो वन आ गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए इसको, अगर यहाँ पर ना कुछ समझ लगे तो साइड पर कर देता हूँ इसको, माइनस फोर मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस फोर सिक्स माइनस टू, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गए पेयर में, फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई किया
4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 24 को आगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया अपने पास। ठीक है बेटा, जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 12 आ जाएगा, 12 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 48 आ गया। ओके, प्लस 48 इक्वल्स टू 40, ये दोनों को प्लस किया तो 49 बन गए, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 48 आ गया तो 49 आ गया डिस्क्रिमिनेट, यहाँ तक की वैल्यू। ये सारा यहाँ पर रफ वर्क है फिलहाल, तो आप साइड पर कर लीजिए। अब देखना है एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू, इसको एक बार रेज कर देते हैं यहाँ से, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस के रूट डी ओवर 2a, एक्स इक्वल्स टू माइनस का, तो माइनस आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में गिवन है ये। अब b का वैल्यू देखिए क्या है, b सेकंड वैल्यू b की है, यहां पर भी मैंने राइट किया हुआ है माइनस 1। ओके, प्लस माइनस स्केयर रूट डी, डी का वैल्यू 49 ये नीचे निकाला हुआ है हमारा, यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, 2a, a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू है 6, x इक्वल्स टू, ये देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, कटिंग हो गए दोनों, कटिंग यहाँ पर मत कीजिए, बस शो करने हैं एक बार उसको, ठीक है कि हमने लगाए थे, तो प्लस 1 हो गया, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ वो आपकी मर्जी है, प्लस माइनस ये तो आपको इकट्ठे लगाने ही पड़ेंगे, बाद में एंड में मैं सेपरेट करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, मैं इसको साइड पर सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 7 का स्क्वायर, क्योंकि 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, 49 ही होता है 7 का स्क्वायर, तो बट ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया 7, तो ये बन गया 7। ठीक है, इसको मैंने साइड पर सॉल्व कर दिया, नीचे आ गया आपके पास 2 × 6 = 12। अब ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, तो एक बार मैं देखो 7 के सामने 2 सिंपल, एक प्लस का एक माइनस का, मैं एक बार प्लस का 7 लगाऊंगा, एक बार मैं माइनस का 7 लगाऊंगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू दोनों को प्लस किया, 7 + 1 = 8, नीचे आया आपके पास 12, x इक्वल्स टू देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 - 1 = 6, सिंपल बड़े का, बड़ा कौन है माइनस का, नीचे आया 12। अब ये कटिंग कर देंगे यहाँ से, देखो 4 पर दोनों कटिंग हो रहे हैं, 4 पर किया 2, 4 पर किया 3, सो एक तो वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ से दोनों 6 पर कटिंग हो रहे हैं, 6 पर किया 1, 6 पर किया 2, तो x की वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो 2/3 कॉमा दूसरी वैल्यू आ गई x की -1/2, देयरफॉर रूट्स आर 2/3 एंड -1/2। ठीक है, ये रूट्स आ गए, इसे सॉल्यूशन कह लो, जीरोस कह लो, जो मर्जी कह लो, आपकी मर्जी है, तीन नेम तो मैंने बता दिए आपको। ठीक है, सो अच्छी तरह इन तीन चार जो क्वेश्चन आज आपको ये मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, ये लेक्चर को आप रिपीट कीजिए इसी मेथड के साथ, डिस्क्रिमिनेशन मेथड के साथ आपने एग्जाम में भी सॉल्व करने होंगे। सम टाइम पॉलिनोमियल चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं होते तो ये एक तरह का आपको ब्रह्मास्त्र की तरह ही है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है ये एक मेथड के साथ, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे स्क्वायर रूट में आंसर आ जाए, चाहे ना आए, आपके फैक्टराइज हो चाहे ना हो, ये मेथड के साथ आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। ठीक है, सो अच्छे से करो और सीखो, कोई डाउट आता है तो उसके बारे में पूछो, तो ये वीडियो को हो सके तो रिपीट करो जहाँ से आपको ये स्टेप आपका रुक रहा है करने के, इसको मेथड यही होता है, जब भी आप कोई नया वर्क सीखते हो ना 2-3 बार उसको करो अच्छे से, वो माइंड में सेट हो जाता है, ब्रेन में सेट हो जाता है। क्रैमिंग नहीं करनी, क्रैमिंग करने से फिर आपका नुकसान होगा, पूछो उसको टीचर को जितना पूछ सकते हो, पहले एक बार किया चाहे देख कर कर लो, फिर कॉपी बंद करो, उसके बाद रिपीट करो। ठीक है, जब आप रिपीट करोगे आपको स्टेप कुछ पता लगेंगे, फिर आपको कोई स्टेप रुकता है तो कॉपी खोलो देखो लास्ट तक, तब तक आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आपसे खुद ना हो जाए।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच।